मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से अपोजिशन के हलकों में 45 तरक्याती स्कीमें शुरू करने का फैसला किया गया है। स्कीमों पर लागत का तखमीना 12,50,08,000 रुपए लगाया गया। तरक्याती स्कीमों के तहत गलियों की तामीर व मुरम्मत के काम किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर अली से। बाबर बताएगा मजीद कौन से तरक्याती मनसूबे शामिल हैं। जी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से जो 45 तरक्याती स्कीमें शुरू की जा रही हैं, इनमें अपोजिशन जमात से ताल्लुक रखने वाले एमपी राना मशहूद अहमद खान का हलका PP-152, ख्वाजा सलमान रफी का हलका PP-157, सैफुल मुल्क खोखर का हलका PP-165 और MNA वहीद आलम खान का हलका NA-125 शामिल हैं। इन तरक्याती स्कीमों के तहत इन हलकों की गलियों में तमीर व मरम्मत के काम किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि इससे केवल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली के हलकों पर ज़्यादा तवज्जा दी जा रही थी, लेकिन अब अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली के हलकों पर भी तवज्जा देना शुरू कर दी गई है। जी,